था ना? कटारी भुक 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 धुआं फेंक के काम खत्म। लेकिन ये जो है भाई, ये धुआं फेंकवा देगा, फेंकेगा नहीं, ये पक्का है। पानी पिला देगा सबको, पिला देगा, क्योंकि इतना इसका क्लियरिटी आवाज बेस हुआ, इतना लंबा चौड़ा तगड़ा मोटा मारेगा, हिला देगा, मुझे विश्वास है। काफी मजेदार है दोस्तों, देख रहे हैं इस उम्र में डीजे का इंटरेस्टेड रखना, और हम लोग के लिए यही मनोबोली होता है, इन्हीं लोग का प्यार के लिए हम लोग ये सब कर पाते हैं। हम लोग अभी चिड़ियाकोट से आए हैं इसको देखने के लिए, फिर कल आएंगे, अर्ली मॉर्निंग आएंगे, सुबह में भी आएंगे और रात में भी आएंगे। बस इन्हीं लोग का प्यार के लिए दिल जीत लेता है, ये सब जब मिलता है तो खुशी से मन मतलब भर जाता है, और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा ही प्यार आप लोग का बना रहे तो हम लोग और आगे नहीं बना रहेगा भाई, बना रहेगा। हम लोग बहुत लालची टाइप के हैं डीजे के, कहाँ जाना है बस चल दो, गाना वाना भाड़ में जाए, डीजे पावरफुल बेस एकदम, बस मजेदार। अब तो कल मजा आएगा, कल टेस्टिंग में चाहे शाम की रात में कंपटीशन में क्या है। आपके उम्र के बहुत ही कमी लोग चाचा मिलते हैं, क्या चीज़ जो डीजे के चाचा ना कहो यार, भैया भैया, अरे यार चाचा कहो, भैया कहो, भाभी कहो, भौजाई कहो, नो टेंशन दोस्तों, ऐसा इंसान नहीं जिंदगी में हमको पहली बार मिला है, नो टेंशन, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत मजेदार है। आजमगढ़ UP 50 UP 50 आजमगढ़ फर्स्ट टाइम आए हुए, तो क्या कुछ रहने वाला है यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आए हैं आप लोग का, कल दिखाएंगे, कल आप लोग सुनिए इसको कितना प्यार मिलता है, किस तरफ का सेटअप है, अब आप ही लोग का ऊपर निर्भर करता है, हम अभी अपना मुंह कल सुनने के बाद मैं अलग से प्यार दूंगा। सुनने से पहले ही हम बता दें, सेटअप जिस हिसाब से बना हुआ है जी जी, सबसे आखिरी बना हुआ है जी, अब तक का सबसे भयानक सेटअप लुक वाइज आजमगढ़ में, अब तक का इतिहास में आजमगढ़ के, हाँ ये सारे रोड शो में सबसे खतरनाक दिखने वाला। हम लोग भाग के जाते हैं डीजे देखने के लिए, लेकिन मैं तो पहले ही बोल दिया कि अरे कारो कारो हर जगह गए हुए हैं देखने के लिए, सब जगह भाई लोग जाते हैं, बहुत मतलब बहुत इंटरेस्ट है, बहुत 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 काफी इंटरेस्ट है हम लोगों का, अच्छा लगता है जब ऐसे ऐसे मतलब शख्स मिलते हैं इस लाइन में। अरे बड़े भैया कावड़ यात्रा में सुन के मरो या जा के 3 बजे चाचा बैठ के लाइव देंगे, लेकिन लाइक बनता है दोस्तों इसके लिए, बिल्कुल दबा दीजिएगा दबा के, लेकिन लेकिन देखने का कुछ अलग है अंदाज है, देखने में जो मजा मिलता है बॉस, जो मोबाइल से पूरा उम्मीद है कि सेटअप बजेगा पूरा तगड़ा ना, आपको पूरा उम्मीद है कि सेटअप बजेगा पूरा तगड़ा, तगड़ा नहीं एकदम बम बम बजेगा, इस हिसाब से भाई छाया हुआ है उस हिसाब से तो लग रहा है कि धुआं उठा ही देगा अगले का। पानी पीना पड़ेगा दूसरे को, मैंने कर ही दिया, मैं तो बोल ही दिया, अब उसी को आई वे चाइल्ड ढेर बड़ा हो गया था, बोलो बोलो कोई टक्कर में है क्या पंकज का भैया? कोई नहीं आज अंगल में तो कोई नहीं तक, आज तक तो पूर्वांचल में नहीं है वो। अरे बाबा ये मैं आज पहली बार कर रहा हूं, ये पहली बार है इतना भव्य इतना हाई लुक। पूर्वांचल जी अब देखिए अंड मंड मुंह से निकल जाएगा, अंकल जी एक क्वेश्चन, जैसा कि आज धड़कन डीजे का रोड शो हो रहा था, उसमें से प्रशासन जो है आपकी यहाँ की, उन लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे थे बजाने के लिए, नहीं नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं, नहीं नहीं नहीं, देखिए मेन बाजार में जहाँ गर्दिश है वहाँ पे प्रशासन की थोड़ा सा धीमा कर लो, आप फील्ड में जाओ लड़ो जाम के जितनी बजाओ, लेकिन बजाओ लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग ना करो, लेकिन बच्चे हैं परिवार जा रहा है आ रहा है तो उस समय थोड़ा सा चाहिए भी वो तो है, हाँ इसको मैं समझता हूँ, जैसे स्कूल रहे या हॉस्पिटल रहे वहाँ पे कम से कम बजा के धीरे से चला जाए, क्राउड ज्यादा हो भी प्रशासन ने समझाया कायदे से इस तरह करिए। और एक बात हम बताना चाह रहा हूँ कि प्रशासन का जो गाइडलाइन रहेगा वो हम बिल्कुल पालन करेंगे, बिल्कुल करना है, प्रशासन के हिसाब से ही मेरा डीजे सिस्टम चलेगा, ये फाइनली ऑर्डर है, मतलब प्रशासन का जो भी ऑर्डर आएगा वो हम पालन करेंगे। बाकी आप लोग ऑडियंस क्या बोलना चाहते हैं? पूरा सहयोग है भाई साहब के साथ, जो ये सेटअप आया हुआ है क्या बोलना चाहते हैं? कुछ तो बोलिए आप लोग, जो भी बोल रहे हैं वो अच्छी बात ही बोले, अच्छा
जी ऐसा बस अच्छे से पंकज भी आए हैं यहाँ पे अपना जो जो खूबी थे मैंने वो दिखाने के लिए पंकज भी आए हैं वो बस अच्छे से निपट जाए बस भगवान से ये प्रार्थना नहीं निपटेगा नहीं झंडा लहरा के जाए झंडा गाड़ के जाएंगे ये है प्रशासन जी उस हिसाब से सेटअप खड़ा है उस हिसाब को आजमगढ़ में पहली बार झंडा लहरा के जाएंगे फिर दोबारा जाके आएंगे एक बार लास्ट आईएएस सेटअप बजने के बाद आपसे फिर से मिलना चाहते हैं मिलेंगे 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 तुम्हारे लिए मिलेंगे चलिए यहाँ कहाँ मिलेंगे चलिए अंकल एक मिनट आइए नहीं नहीं चलो सब खड़ा रहो सेटअप के साथ आएंगे फिर समझ नहीं आएगा सेटअप के साथ अच्छे आइए आइए सेटअप के पास चलिए सेटअप तो जैसा कि अरीन ने चाचा ने जो भी बताया आपने सुना तो पंकज भैया के खेल सेटअप के दीवाने हो गए भाई हम लोग लड़के दीवाने हो तो बात अलग है आप लोग उम्र के हिसाब से देखिए अरे पंकज भैया के कितने दीवाने हो गए सब तो पंकज भाई का अभी आपने आजमगढ़ में अभी तो टेस्टिंग भी नहीं हुआ सेटअप से लुक से ही लोग इतने दीवाने हो गए हैं तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है।